दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। कोरोना कर्फ्यू के बीच सुलह क्षेत्र में बिना वजह वाहन दौड़ाने वालों पर नायब तहसीलदार सुलह अब्दुल बशीर व पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह 8 से 11 बजे तक कर्फ्यू में मिली छूट के दौरान नायब तहसीलदार ने खुद मोर्चा संभालते हुए नाकाबंदी कर बिना परमिशन व बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। साथ ही सुलह बाजार में सब्जी व अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमें कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी, लोग इस महामारी को हल्के में लेकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर हमने त्वरित कार्रवाई की है। दिव्य हिमाचल टीवी से खास बातचीत में नायब तहसीलदार ने कहा कि पिछले 3 दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। जिस तरह सुलह क्षेत्र में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, मतलब 10 से 12 केसेस जो क्षेत्र में नए आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन की क्या राय है, प्रशासन के क्या कर रही है उसके ऊपर? हम इसके लिए खुद भी चिंतित हैं। काफ़ी बीच में देख रहे थे कुछ दिनों से हम कि केसेस जैसे जैसे रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं, सुलह के हर दिन हमें कभी सालन से 3-3, 4-4 लोग एक दिन में आ रहे, कभी मजारना की तरफ से, और ये सुलह प्रॉपर में हमारी एक बस्ती है, बल्कि 5-5, 6-6 जो है कि फैमिली के अंदर 3-3 लोग आ रहे थे। हम बड़े चिंतित थे इस मामले के अंदर, और हमने अब कुछ हमारे पास ऐसे इनपुट्स भी मिले थे कि जो पॉजिटिव केस हैं वो भी बाजार तक में घूम रहे हैं। तो सर जो पॉजिटिव केस जो आ रहे हैं उन जिन घरों में पॉजिटिव वहाँ पे, मतलब उसके लिए आपने कुछ किया है वहाँ पे? बिल्कुल वो चिंता इसलिए हमें हुई कि इसको बड़ा लाइटली से लोगों ने जो है इसको लिया है, और इस पर जैसा लोगों को फिक्र और लोगों को प्रिकॉशन बरतनी थी लोगों को, इसके लिए जो गाइडलाइंस सरकार ने जो है और हमारे जिलाधीश महोदय और हमारे उपमंडलाधिकारी पालमपुर जो हैं वो बार बार जो है इस पर संदेश देते रहे लोगों को, तो लोगों ने जो है इसको बड़े हल्के से लिया, जिसके लिए हमने जो है अभी थोड़ा सा इसको सख्त रवैया, अभी मैं मार्केट तक में देख रहा था लोगों का आना जाना जो है यहाँ पर, जिस 8 से 11 अगर कर्फ्यू में के अंदर ढील जो दी गई है वो सारी ज़रूरतमंद लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी है, वही ज़रूरत की सामान की दुकानें भी खुलेंगी। हाँ जी। तो उसका नाजायज़ फायदा उठाते हुए लोगों ने शायद ये सोच लिया कि ये 8 से 11 जो है ये खुले घूमने के लिए सबको छूट है, और इसमें पॉजिटिव लोगों का भी आने की हमें सूचना मिली है और हमें हमारे पास इनपुट्स हैं वो, तो इसलिए हमने जो सख्ती की है जी सर पिछले दिन से, बल्कि परसों शाम को भी हमने एक बस्ती को देखा था नीचे जी सर, जिसके अंदर 13 पॉजिटिव हैं, 13 घर हैं जब मैं वहाँ गया जी, तो 13 मकान और उसी कॉम्पैक्ट एरिया इकट्ठा मिला हुआ 13 मकान, उनमें 13 पॉजिटिव हैं। अच्छा जी। और वो सारे लोग जो हैं वहाँ से भी पता चला कि वो बाहर आना जाना भी हमने उस बस्ती को सील किया। तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि जिस तरह कोरोना पॉजिटिव केस जो बड़े लोग जो हैं वो बाजारों में घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें बड़ी ज़्यादा चिंता कर रही हैं इस बारे के अंदर, वो गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि वो उससे जो है यही चीज़ें कंट्रोल होंगी, और हमारी भी परम हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करें यहाँ पर। सर लॉकडाउन किया है अपने स्तर पर, आपकी क्या ये होगी? हमने इन लोगों को जो है घरों के अंदर आइसोलेट किया है, होम आइसोलेशन जैसा सरकार की पॉलिसी है, बल्कि उनके साथ रेगुलर टच के अंदर हैं जी, फोन के जरिए सी, और मैं तो उनके साथ वैसे बस्तियों के अंदर जाना शुरू किया है जी सर, आशा वर्कर के थ्रू प्रधानों को कंसर्न, ग्राम पंचायत के प्रधान उनको साथ में ले करके लोगों को, ताकि इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम अगर होम आइसोलेशन के अंदर लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट अपने कंसर्न प्रधान को बोलें, और वो हमारे साथ वो भी कॉन्टैक्ट के अंदर हैं प्रधान लोग भी, और वो लोग भी हमें कर सकते हैं, ताकि उनकी जो भी इंक्वायरीज होंगी या उनकी जो भी ज़रूरतें होंगी हम उनको पूरा करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर अगर उन्होंने इसका नाजायज़ फायदा उठाया इस रिलैक्सेशन का थोड़ा सा, और इसको लापरवाही बढ़ती इधर उधर आए, तो हम हर सख्त से सख्त रवैया, बल्कि अगर जिन जो कंटोनमेंट जोन के अंदर हैं होमली आइसोलेट किए हुए लोग हैं, अगर वो इधर उधर घूमते नजर आ गए
जी सर, अगर उन पर मुकदमे दर्ज करने पड़ गए तो हम वो भी करेंगे। ठीक है सर, वो भी करेंगे। ठीक है सर। और मार्केट के अंदर बाइकें गाड़ियाँ लेकर के सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ वो जमा होंगे, हम इनको भी चाहे गाड़ियाँ बाउंड करनी पड़ी तो वो भी करवाएंगे और उन पर फाइन भी करेंगे अगर इन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है सर। इसलिए हमारा निवेदन रहेगा, आपका भी हम बड़ा स्वागत करते हैं कि आपके माध्यम से हम जो है इन लोगों को एक निवेदन भी करेंगे, संदेश भी देंगे कि खुद जो है ये सारा कुछ इसलिए है कि सारे स्वस्थ रहें। जी सर, सबके भले के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए सारे ये फिर मेरा निवेदन रहेगा कि लोग जो हैं इसको अपने फायदे का समझ करके, निस्वार्थ होकर के एक दूसरे की बीमारी से लड़ने, हाँ, इस कोरोना जैसी जो है वैश्विक महामारी जो जिसने पूरी दुनिया को आज झंझोड़ कर रखा हुआ है, हम उसके अंदर एक आसान से तरीके से जो है इसकी पालना करेंगे तो निश्चय ही हम जो है इसमें जो है महफूज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इस बीमारी से बचे रहेंगे और आगे बच्चों को ही जो हम बचाने वाले बनेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुलह से साहिल कुमार की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड: बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स